नमस्कार, दिल्ली तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित प्रवीण मिश्रा, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। आइए जानते हैं कैसी है दिल्ली की किस्मत आज। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का समय बहुत बढ़िया है। बस एक सलाह ये है कि अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। मेष राशि वालों के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि अपने बजट को ध्यान में रख करके पैसे खर्च करें। किसी से उधार लेकर के धन व्यय करने की सलाह आपको नहीं दी जा सकती। बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टनरशिप से लाभ होगा। यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उससे भी आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अपने मान सम्मान का विशेष रूप से ख्याल रखें। खास करके लोगों से बातचीत करते समय ऐसी बातें ना बोलें जिसका असर आपके मान सम्मान पर पड़े। बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने मन को बिल्कुल टेंशन फ्री रखिए, शांत मन से अपने कार्यों में लगे रहिए और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बात करते हैं अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। अचानक कोई भी घटना आपके साथ हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए अनजान लोगों के भरोसे कोई काम ना छोड़ें। जो भी काम करना है वो खुद करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन का अच्छे तरीके से लाभ उठाइए। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं और ये समय भगवान गणेश की उपासना का है, तो गणपति की उपासना करिए। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाइए और भगवान गणेश की आरती अवश्य करिए। बात करते हैं अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि कन्या राशि वालों को यदि विदेश से संबंधित कोई लेन देन करना है तो वो कर सकते हैं, उससे आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वाले यदि कहीं टूर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। बारी आ गई अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है। तुला राशि वालों को यदि कहीं निवेश करना है, यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बारी आ गई वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि अपने मन में बेवजह की टेंशन ना बढ़ने दें और हाँ, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। ये सोच समझ करके फैसले करने का समय है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि धनु राशि वाले अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते तलाशें। यानी ये समय बैठे रहने का नहीं है, मेहनत करने का है, एक्टिव होकर के काम करने का है। तो पूरे मन से काम करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। अब बारी आ गई मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि किसी से उलझने से बचिए। किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप किसी से उलझे नहीं। यदि किसी बात को लेकर के बहस हो रही है तो शांत रहें, वहाँ से दूर हट जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले अपने स्वास्थ्य का इस समय विशेष रूप से ख्याल रखें। बारी आ गई अब कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वालों को सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ये समय अपने कार्यों पर डट कर मेहनत करने का है। बारी आ गई अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ये गणेश उत्सव का समय चल रहा है, इसका लाभ उठाइए। गणपति की पूजा करिए, उपासना करिए और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करिए और लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइए। तो विधि विधान से पूजन करिए। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो कैसी है दिल्ली की किस्मत में आज, बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे आपका राशिफल। तो देखते रहिए दिल्ली तक और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।